हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। हमने क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़े, आज से हम क्लास 12 के भी अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स से हमने इस बुक से फर्स्ट चैप्टर का हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 23 कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। पूजा एंड अर्चना पार्टनर्स हैं एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। कैपिटल है 70,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 10%। ड्रॉइंग्स दिए हुए 4,800 एंड 3,600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। इसमें लोन भी दिया हुआ है। पूजा हैज गिवन अ लोन टू फर्म ऑन 1st नवंबर। 1st नवंबर को पूजा ने फर्म को लोन दिया 20,000। प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 एंड 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। इस प्रॉफिट में से 10% रिजर्व अकाउंट में रखा जाएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 5,000 एंड 23,000। देखिए तो इसमें लोन दिया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बट हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम तीन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम उसमें बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ लोन दिया हुआ है ना, तो जब भी आपके क्वेश्चन में लोन दिया हो तो लोन की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। पूजा ने फर्म को लोन दिया तो उसके बदले में फर्म पूजा को इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उसकी एंट्री डेबिट साइड में करते हैं। यहां हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। कैलकुलेट करेंगे हम 20,000। ये सब आप अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना। 20,000 इंटू, यहां रेट नहीं दिया हुआ है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना दिया हो तो हम हमेशा 6% पे उसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटू 6/100 एंड मंथ दिया हुआ है 1st नवंबर। 1st नवंबर को पूजा ने फॉर्म को लोन दिया, तो नवंबर से मार्च तक हम काउंट करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 मंथ्स। यहाँ लिखेंगे इंटू 5/12। ध्यान दीजिएगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना दिया हो तो आप 6% पे कैलकुलेट करना। ये हम कैलकुलेट करेंगे, 500 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 500 एंड देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम प्रॉफिट वाला बैलेंस भी लिखते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में लोन दिया हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड उसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड में। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं, फिर हम बैलेंस कर देंगे। बस यही दोनों आइटम्स आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा, 80,000 माइनस 500, ये हो जाएगा 79,500। यहाँ लिख देंगे 79,500। हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना लिया। अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 79,500। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कैपिटल दिया हुआ है 70,000 एंड 30,000, इस पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7,000 एंड 3,000। करके भी हम देख लेंगे, 70,000 इंटू 10/100
7000 आया, सेम ऐसे आप 30,000 भी कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन से आइटम्स नहीं आते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरा वाला वीडियो देख लेना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूजा एंड अर्चना, पूजा में हो जाएगा 7000 एंड अर्चना में हो जाएगा 3000, टोटल हो जाएगा 10,000। एंड इसके बाद देखिए, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 4,800 एंड 3,600। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ड्रॉइंग की तो एंट्री होती नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री होती है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैंने बस IOD लिखा हुआ है, आप लोग पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना। पूजा एंड अर्चना, तो देखिए इसका हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट करेंगे। पहले हम पूजा का करेंगे, पूजा में ड्रॉइंग दिया हुआ है 4,800, तो देखिए 4,800 इंटू रेट दिया हुआ है 10% इंटू 10/100 एंड डेट नहीं दिया हुआ है। तो जब भी डेट ना दिया हो एंड आपके क्वेश्चन में यहाँ रेट के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रेट के साथ यहाँ पर एनम लिखा हो, तो हमें 6 मंथ से कैलकुलेट करना होता है। यहाँ डेट नहीं दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में आपके पर एनम दिया हो, तो हम क्या करते हैं उस केस में 6 मंथ से हम कैलकुलेट कर देते हैं 6/12। ये हो जाएगा 240 एंड सेम ऐसे ही हम अर्चना का भी कर लेंगे। अर्चना का दिया हुआ है 3,600 इंटू 10/100, डेट हम सेम डालेंगे 6/12 हो गया। यहाँ हो जाएगा पूजा में 240 एंड अर्चना में 180, दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा 420 हो गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में रिजर्व भी दिया हुआ है, तो रिजर्व की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन रिजर्व अकाउंट, इस प्रॉफिट का 10% हमें रिजर्व अकाउंट में रखना है। तो 80,000 दिया हुआ है, 80,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000 एंड रिजर्व की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं। यहाँ हो जाएगा टू रिजर्व अकाउंट 8,000, बस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इतनी एंट्री होंगी। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्रेडिट साइड में हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 79,500 प्लस 420, ये हो जाएगा 79,920 एंड डेबिट साइड में हम टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18,000। अब 79,920 माइनस 18,000 61,920 आया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। आंसर मैच कर लेंगे हम, आंसर करेक्ट आ गया हमारा, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 61,920। अब इसे हम दोनों पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पूजास कैपिटल एंड अर्चनास कैपिटल। देखिए 61,920 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2:1 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 2/3 एंड ये हो गया पूजा का एंड अर्चना का कितना हो जाएगा
61,920 इंटू 1/3। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम ये कैलकुलेट करेंगे, 61,920 इंटू 2/3 ये हो जाएगा 41,280, एंड ये हो जाएगा 20,640। अब ये हम इधर लिख देंगे, 41,280 एंड 20,640, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 61,920। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल हो जाएगा ये 79,920 एंड 79,920। अब हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट करेंगे, हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट करना है, तो यहाँ पे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पूजास करेंट अकाउंट एंड अर्चनास करेंट अकाउंट लिखना होगा। करेंट अकाउंट में सबसे पहले तो हम ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, यह हो जाएगा टू बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूजा में 41,280 एंड अर्चना में 20,640, ये हो गया। एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में जाता है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में जाता है, बट पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हम डेबिट साइड में करते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूजा का कितना था 7,000 एंड अर्चना में कितना था 3,000, ये हो गया। एंड इसके बाद देखिए, इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 वह पूजा 5,000, आगे क्रेडिट लिखा हुआ है, तो यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है तो हम इसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे। बैलेंस कितना दिया हुआ है यहाँ, बैलेंस 5,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 5,000। अर्चना का 23,000 दिया हुआ है, यहाँ डेबिट लिखा हुआ है तो डेबिट साइड में हम इसका बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब देखिए, डेबिट साइड में पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पूजा का दिया हुआ है 240 एंड अर्चना का 180। उसके बाद यहाँ अर्चना का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, अर्चना में 23,000, ये हो गया। ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम ड्रॉइंग्स भी लिखते हैं, तो पूजा का दिया हुआ है 4,800 एंड अर्चना का 3,600, तो यहाँ लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स 4,800 एंड 3,600। बस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में इतनी आइटम्स आएंगे। अब हम दोनों साइड ऐड कर लेंगे, देखिए ये टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 53,280 एंड इस साइड 4,800 प्लस 240, ये हो जाएगा 5,040, ये माइनस कर देंगे, 53,280 माइनस 5,040, ये हो जाएगा 48,240। तो यहाँ डेबिट साइड में लेस अमाउंट है तो यहाँ हम लिखेंगे 48,240 एंड अर्चना का देखिए क्रेडिट साइड बैलेंस दिया हुआ है 20,640 प्लस 3,000, ये हो जाएगा 23,640 एंड डेबिट साइड में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26,780, लेस कर देंगे ये हो जाएगा 3,140। तो इस साइड लेस अमाउंट है, पहले हम यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी एंड यहाँ बाई बैलेंस सीडी, इस साइड लेस अमाउंट है तो यहाँ हो जाएगा 3,140, ऐड कर देंगे हम 53,280, इस साइड भी हो जाएगा 53,280 एंड ये भी 26,780 एंड 26,780। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट कर लिया, देखिए हमारा आंसर भी आ गया, करंट अकाउंट बैलेंस पूजा 48,240 एंड अर्चना 3,140। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स
के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।